गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। हमने हमारा इंग्लिश का टॉपिक चल रहा था ना, वोवल्स वाला, जिसमें हमने राइमिंग वर्ड्स किए थे ए वाले। तो आज हम उससे आगे करेंगे। ये है ई वाले वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, फोनिक अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ बेड, देन टेन, बेल, इम्पीरियर, लेग, एग, एलिफेंट, एल्फ, जीप, शिप, डियर, फिट, इंजन, इंग्लिश, ईगल एंड ईस्ट। पहले तो मम्मा आपकी हेल्प करवाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स बड़े भी हैं ना, तो वो आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। आपको फोटो से आप ये बता सकते हो ये एलिफेंट है, ये भी बता सकते हो ये जीप है, ये शिप है। तो आप फोटो इमेज से आप उसको रिमेम्बर कर लो कि ये क्या कौन सा वर्ड था, ठीक है। बाकी आपने इन सब वर्ड्स की बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि इनकी साउंड कैसी आती है और क्या आता है। ए का साउंड ब, ए, ड, बेड, ट, ए, न, टेन, ऐसे इन सब का साउंड क्या आता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला पेज है, पेज नंबर 6 जो है, वो आपका रिवीजन का पेज है। जैसे आपको फर्स्ट दिया है हैन, हैन से मैच करता हुआ राइमिंग वर्ड्स बनाना है। बी, बी का राइमिंग वर्ड्स जैसे हमने ए का किया था ना, सेम ये वैसे ही ट्राई करना है आपने। आपके लिए मैंने सॉल्व भी कर रखा है, हैन मैन, बी सी स्लीप वीप, रेड बेड, लेग पेग, जीप डीप, थ्री फ्री, सी बी, ईयर हियर, ठीक है। ये चीज़ें आपको मेनली आपके लिए है प्रैक्टिस। आप बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये राइमिंग वर्ड्स उतना ही आएंगे। और हर एक वर्ड के बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं आप वही लिखो। अगर आपको उनसे अलग कोई वर्ड आता है जिसका मीनिंग हो, तो आप वो वर्ड भी लिख सकते हो। आप खुद अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना कि किसका कौन सा वर्ड हो सकता है, ठीक है ना। और ये आपने नोटबुक में लिखने हैं, ये वर्ड्स जो ये एक्सरसाइज है ना 9 वर्ड्स वाली, ये आपने नोटबुक में लिखनी है। और रीडिंग का बहुत ज़्यादा वर्क करना, बहुत ज़्यादा। आप फ्री हो अभी तो रीडिंग जितनी हो सकता है उतनी रीडिंग कीजिए, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, किसी भी चीज़ की हो। हिंदी में तो आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, आप बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको रीड करने की। मतलब आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करो कि हम जब भी मिलें तो आपको काफ़ी चीज़ें जो मैंने कराई हैं वो क्लियर हो जाएं। फिर क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा ना, फिर हर एक चीज़ पे दोबारा से इतना जोर दिया जाए, तो इसलिए इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो। आप अभी थोड़ा अच्छे से कर लो जो जो मैं बता रही हूँ, तो आपको फिर दिक्कत ही नहीं आएगी पूरी फर्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलो अभी के लिए आप ये जस्ट ये एक्सरसाइज करना, इसको रीड करने की प्रैक्टिस करना एंड अपनी नोटबुक में करना, ठीक है। ओके बच्चों, और सब अपने घर पे ही है ना, कोई ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा अपनी मम्मा को, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने अपने घर ही बैठे हैं। और सेफ रहना है घर में भी, मम्मा से जिद नहीं करनी किसी भी चीज़ की, आराम से जो मिलता है वो लो एंड घर में खेलो जस्ट, ठीक है। गुड बाय बच्चों, टेक केयर।